डियर स्टूडेंट्स, ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आप में से कई सारे लोगों ने अपनी तैयारी को थोड़ा तेज़ किया है, स्पीड अप किया है। हमारे सराउंडिंग्स में भी ये बातें देखने को मिल रही हैं, तो ये अच्छी बात है। इसका बेनिफिट आपको इन द लॉन्ग रन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिखाई देगा, बड़ी अच्छी बात है। आप इसे बनाए रखें, और जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को रूटीनबद्ध नहीं किया है, टाइम फ्रेम में नहीं बांधा है, वो भी अब देर न करें। आज का टॉपिक दरअसल टॉपिक टेस्ट है। हम लोग कई सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, और ऐसे में टाइम टू टाइम टेस्ट होते रहना चाहिए, चूँकि इससे ये पता चलेगा कि आप कुछ गूढ़ प्रश्नों को किस तरह से हल कर पा रहे हैं। आज 30 क्वेश्चंस का बेहतरीन टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। आप इसे दें और अपने स्कोर्स ज़रूर बताएं, चूँकि इससे पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही सही हल किए। इस टेस्ट की विशेषता ये है कि ये टेस्ट पिछले दिनों जो पढ़ाई हुई है, जो हमारे एपिसोड्स आए हैं, उस पर बेस्ड है, तो आप इसे ज़रूर दें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि अब किस तरह से पीटी मेंस सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, तो इस पर काफ़ी बातें आगे होंगी। आप अभी बिल्कुल ना घबराएं, इस पर हम लोग बातें करेंगे। हर एग्ज़ाम, फिर उसके सिलेबस, उसके पैटर्न, उसके नोट्स, उसका तैयारी का तरीका, इस सब पे हम लोग बात करेंगे। अभी तीन बड़े एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, बीपीएससी सचिवालय और सीजीएल बिहार का, तो सब का सिलेबस अलग है। पढ़ना मोर और लेस एक ही चीज़ है, लेकिन सिलेबस अलग है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, तो इसे हम लोग समझेंगे। हर टेस्ट के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए अलग से बातें होंगी, आप बिल्कुल ना घबराएं। ऑप्शनल को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर भी आप चिंतित ना हो, जहाँ तक हमारा सामर्थ्य है आपको हमारी मदद मिलती रहेगी। आप निश्चिंत रहें, जितना ज्ञान मुझे है वो ज़रूर आपको रेगुलर एपिसोड्स में मिलता रहेगा। नोट्स बनाने को लेकर भी काफ़ी चिंताएं हैं, ये भी देखना होगा। और आप ये ना सोचें कि केवल इंटरनेट पे देखकर नोट्स बना लेंगे, इसे इसको दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि अच्छा नोट्स इंटरनेट से आपको, जो नेट से आप पढ़ रहे हैं, उससे आपको फॉर्मेट मिलेगा, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस स्टेजेस में कैसे आपको नोट्स को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन अच्छा नोट्स इनरिच करने के लिए, टाइम टू टाइम उसको सही ढंग से, उस नोट्स को बनाने के लिए आपको एक दो अच्छी किताबें रखनी होंगी, जो भी आपका ऑप्शनल है उससे संबंधित जो बेस्ट राइटर हैं, उनके कम से कम दो बुक्स रखने होंगे, तब अच्छे नोट्स बनेंगे, और फिर उन्हें टाइम टू टाइम इनरिच करते रहना होगा। ये सारी बातें हम लोग करेंगे, आप अभी चिंता ना करें। अभी आप पहले स्टडी को अपने रेगुलेट करें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तैयारी भी नहीं शुरू की है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कुछ पुराने लोग हैं जिनकी तैयारी पहले से है, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग सब ये ध्यान रखें कि हम लोग 10-15 दिनों में सिलेबस, सब्जेक्ट, नोट्स बनाने का तरीका, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। थोड़े से और समय हम लोग लेते हैं, अभी हम लोग जस्ट पढ़ाई की आदत डालें। हम देखिए इसलिए लूसेंट या क्राउन की बातें करते रहते हैं, उनके लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिनके पास कुछ नहीं है, तो आपको ये जो बेसिक बुक्स हैं, गाइड हैं, छोटे से गाइड हैं, पतली गाइड हैं, वो आप रख रहे हैं उनके लिए जो थोड़ी थोड़ी अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आप टॉपिक वाइज एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स इस एपिसोड या नेट के अलावा सेल्फ स्टडी के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स आप पढ़ें। किसी दिन आप मौर्य काल पढ़ लें, किसी दिन आप मुग़ल का अकबर पढ़ लें, किसी दिन आप ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ लें, किसी दिन आप सोलर सिस्टम है उसको देख लें, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, घास के मैदान, ये छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ के ऑब्जेक्टिव आप सेल्फ बनाएं। चूँकि एपिसोड तो आपको एक या दो दिन में एक आ रहा है, लेकिन आपको पढ़ना और भी है, तो आप धीरे धीरे टॉपिक्स को अपना पढ़ें, ऑब्जेक्टिव बनाएं, और फिर मेंस के लिए नोट्स कैसे बनेगा वो सब बातें भी हम लोग करेंगे। चलिए अब आज के 30 क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपको करना है, और इसके बाद आप अपने कमेंट ज़रूर दें, और भी जो भी समस्याएं आपको हैं आप अपने कमेंट ज़रूर दें। कभी कभी तो हम तत्काल आपको जवाब दे देते हैं, कभी समय लगता है, और कुछ लोगों के नहीं भी दे पाते हैं, इसे आप समझेंगे, लेकिन सारी बातें आपकी हमारे पास आ रही हैं, आपको इसका जवाब भी अप्रोप्रिएटली मिलता रहेगा। चलिए अब आज के प्रश्नों को देखते हैं कैसे हैं। पहला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1928 में
बिहटा में किस आश्रम की स्थापना की थी? ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीताराम आश्रम। उनके द्वारा स्थापित आश्रम का नाम सीताराम आश्रम था। दूसरा प्रश्न, 1920 के दशक में किसानों का दमन करने के लिए यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी गठित हुई, ये किसके द्वारा गठित की गई थी? यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी किसानों का दमन करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जमींदार। जमींदारों ने अलग अलग जो बेतिया जमींदार थे, महाराजा दरभंगा थे, और भी जो छोटे बड़े जमींदार थे, इन लोगों ने ये एक यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। तीसरा प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी के लेखक कौन है? ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरविंद मोहन। चौथा प्रश्न, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस यानी बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1906 में छात्रों को संगठित करने के लिए इसकी स्थापना की थी। पांचवा प्रश्न, विपिन बिहारी वर्मा ने कहां नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सॉल्ट मूवमेंट, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंपारण। कांग्रेस, चंपारण कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। 6 अप्रैल 1930 को पूरे बिहार में नमक सत्याग्रह के लिए आंदोलन शुरू हुआ। सबसे पहले चंपारण और सारण में यह आंदोलन चला। 11 अप्रैल को बेतिया पहुंचकर इन लोगों ने आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रियाएं जताई। छठा प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान गठित बिहार नेशनल कॉलेज यानी बिहार राष्ट्रीय विद्यालय का प्रिंसिपलशिप प्राचार्य कौन थे? इसके असहयोग आंदोलन के दौरान ये राष्ट्रीय विद्यालय गठित हुआ था, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद। इसके कुलाधिपति यानी चांसलर थे मजहरुल हक। सातवां प्रश्न, जनसंख्या में पॉपुलेशन में सबसे छोटा जिला, लीस्ट पॉपुलस जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वो कौन है निम्नलिखित में से, ये आपको बताना है, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा। आप जान लें कि सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जिला पटना है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण और सबसे छोटा शिवहर है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से कौन नेपाल से लगे हुए जिले नहीं हैं? इसमें नेपाल से लगा हुआ जिला कौन नहीं है, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा None of these, यानी पांचवा ऑप्शन ई आंसर है इसका, चूँकि शिवहर और पूर्णिया दोनों नेपाल से लगे हुए ज़िले नहीं हैं। नवा प्रश्न, नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 16, रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट फॉर जॉब्स। दसवां प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किसके संविधान से प्रेरित है, फंडामेंटल राइट्स किससे इन्फ्लुएंस्ड है, किस देश के संविधान से, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी डी। ग्यारहवां प्रश्न, बुद्ध चरित के लेखक का नाम आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, बौद्ध धर्म की हम लोगों ने स्रोत में इसे किया है, बुद्ध चरित इसके लेखक का नाम क्या है, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर है अश्वघोष। अश्वघोष बौद्ध धर्म के बुद्ध चरित्र में लिखी गई पुस्तक के लेखक हैं। बारहवां प्रश्न, किताबुल हिंद के लेखक अलबेरुनी किस देश के निवासी थे? अलबेरुनी के किताबुल हिंद के लेखक का नाम आपको बताना है, अलके अलबेरुनी कहाँ का था, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ईरान। किताबुल हिंद को तहकीक हिंद भी बोलते हैं। अलबेरुनी अरबी में के साथ साथ संस्कृत और यूनानी भाषा का भी ज्ञाता था। इसने किताबुल हिंद को अरबी भाषा में लिखा था, जबकि था ये ईरानी यानी फारसी भाषा का विद्वान। तेरहवां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा है, ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
आज का 14वां प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने अपने भारतीय संस्मरण को अपनी किताब सी यू की में कंपाइल किया है, संकलित किया है? ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेन सांग। वेन सांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं, चूँकि इसने काफ़ी ट्रैवल किया और सी यू की में उसने अपने यात्रा विवरणों का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को, किस डेट को बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था? ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 15 जनवरी 1934 को। और इसमें राहत कार्य चलाने के लिए बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। 16वां प्रश्न, 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा यानी ऑल इंडिया पीजेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दीज। 5वां ऑप्शन, चूंकि इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, 1936 में लखनऊ में यह गठित हुई थी। 17वां प्रश्न, स्वामी सहजानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था, किसने उन्हें संन्यास आश्रम में दीक्षित किया था? ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी अच्युतानंद। 18वां प्रश्न, किस राष्ट्रवादी को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है? ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा। आज का 19वां प्रश्न, मूल अधिकार के उल्लंघन पर रिट जारी करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए बी सी डी या फिर ई? रिट, 5 प्रकार के जो रिट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ये ब्रिटेन से लिया गया है कंसेप्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप मूल अधिकार के उल्लंघन पर जो आदेश जारी करती है उसे रिट बोलते हैं। 20वां प्रश्न, आपातकाल इमरजेंसी की स्थिति में संविधान का कौन सा अनुच्छेद नहीं रोका जाता, वो फंक्शनल रहता है, उस मूल अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 20 और 21, इमरजेंसी में भी नहीं बाधित होता है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत उत्खननीय साक्ष्य है? जो नीचे चॉइसेस दिए गए हैं, इनमें से कौन है जिसकी जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत, या कहें एकमात्र स्रोत, सिंधु सभ्यता या वैदिक सभ्यता या नंद या मौर्य वंश या फिर नन ऑफ दिस? माफ करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंधु सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अधिकतर जानकारी खुदाई से ही मिली है, कोई भी लेखनी या कोई भी पिलर इस तरह का खड़ा हुआ आपको नहीं मिलता है। 22वां प्रश्न, सतवरिया गांव किस राष्ट्रवादी का जन्मस्थल है? सतवरिया गांव बर्थ प्लेस है किस नेशनलिस्ट का? ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। पश्चिम चंपारण में सतवरिया गांव राजकुमार शुक्ल का जन्म स्थान है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बिहार को बनाया? ए बी सी डी या फिर ई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आज का 24वां प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता लिबर्टी ऑफ प्रेस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है, किसका पार्ट है? ए बी सी या फिर डी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। 25वां प्रश्न, 1937 में बिहार में गठित पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? फर्स्ट टाइम जब कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म की तो उस वक्त कौन बिहार के राज्यपाल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिस गार्नियर। आज का 26वां प्रश्न, जो अब करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न हैं वो आप दिखाई देंगे। 80 साल पुराने गोल्डन एज यूनिवर्सिटी रैंकिंग यानी प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग
किया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। आपको बताना कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में एकमात्र भारतीय यूनिवर्सिटी कौन है। गोल्डन एज यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स ने जारी किया है, ब्रिटेन की प्रतिष्ठित जो मैगजीन है टाइम्स उसके द्वारा। ए बी सी डी या फिर ई, तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। 76वां पोजीशन दिया गया है इस रैंकिंग में, जबकि टॉप पोजीशन पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है। 27वां प्रश्न, रूस में संपन्न हाल ही जो वर्ल्ड कप हुआ फीफा वर्ल्ड कप, उसमें गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले को गोल्डन बूट का अवार्ड दिया जाता है, किसे दिया गया, ए बी सी डी या फिर ई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हैरी केन। इंग्लैंड के कैप्टन हैरी केन को सबसे ज़्यादा गोल करने के कारण ये गोल्डन बूट अवार्ड मिला। 28वां प्रश्न, जकार्ता में खेले गए एशियन जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप, ये बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि लगभग 58 सालों बाद भारत ने एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है, तो ये कौन है, ए बी सी डी या फिर ई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने थाईलैंड के खिलाड़ी को हराकर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, इम्पॉर्टेंट है। 29वां प्रश्न, वर्ल्ड बैंक के अनुसार जीडीपी के आधार पर यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है, इस भारत ने किसे पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है, यानी पहले छठे पोजीशन पर कौन था, ए बी सी डी या फिर ई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। फ्रांस अब 7वें पोजीशन पर चला गया है, टॉप पोजीशन पर अमेरिका, सेकंड पे चीन, थर्ड पे जापान, 4 पे जर्मनी, 5वें पोजीशन पर ब्रिटेन, 6ठे पोजीशन पर अब भारत है जीडीपी के आधार पर। तीसरा और अंतिम प्रश्न, पशुपालन डेयरी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, पशुपालन और डेयरी के लिए, दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ए बी सी डी या फिर ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डेनमार्क। तो बस आज के इस एपिसोड को यहीं पर रोकेंगे, आप अपने कमेंट्स दें और बताएं कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा, कितना स्कोर आपका रहा। अगले एपिसोड में हम लोगों का टॉपिक है श्री कृष्ण सिंह और बिहार का भौतिक भूगोल, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कर रहे हैं, आज आप अभी टेस्ट दें। अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।